ओम ज्ञानतिरंधस ज्ञानाजनशकक्षुरमील ये न तस्म श्रीगुरव नम श्रीचतनया मनोभीष्ट स्थात ये नूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदाक श्रीकृष्ण प्रभु प्रभुनिंद अद्वैत गदाधर श्रीवासि गौर भक्त बृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे यस प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछिए हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु Uh, मेरा प्रश्न है कि ये कार्तिक महीने का जो uh, व्रत है इसको परफेक्टली कैसे फॉलो करें? हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्तम सुंदर प्रश्न के लिए तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक हम ये चतुर्मास से का आखिरी महीना पालन करते हैं जिसको हम दामोदर मास कहते हैं और जो व्रत हम इसमें करते हैं उसे ऊर्जेश्वरी व्रत कहा गया है और ऊर्जेश्वरी ये राधा रानी का नाम है महीने का नाम तो दामोदर को दिया गया है जो भगवान का बाल स्वरूप है लेकिन इस महीने में किए गए जितने भी व्रत हैं वो स्वयं ऊर्जेश्वरी राधा रानी उसको फल देती है और पूरे वर्ष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्रत यह है तो संक्षेप में अगर इसका महिमा अमंग समझ जाएंगे तो इसको परफेक्टली पालन करने में हम सफल हो जाएंगे बहुत सारी बातें हैं लेकिन संक्षेप में एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कार्तिक व्रत या दामोदर महीने का व्रत या उर्जेश्वरी व्रत जो पालन करते हैं उनके देह में उनके शरीर में सारे देवताएं निवास करते हैं क्योंकि ऐसे दामोदर महीने के व्रत करने वाले व्यक्ति का संग सारे देवता भी चाहते हैं इसलिए उसके शरीर में आकर वो निवास करते हैं एक महीने के लिए ये व्रत अगर जीवन में एक बार भी अगर हम पालन करते हैं अच्छी तरह से नियम पूर्वक तो केवल एक व्रत के फल के स्वरूप हम सब लोग गौलोक धाम में प्रवेश कर सकते हैं इतना ही अभी कहता हूं और ये व्रत पालन करने के लिए ये पता होना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो है वही एक जीवन है जिसमें व्रत कर सकते हैं और व्रत करना चाहिए बाकी किसी भी अन्य योनि में व्रत करने की सुविधा नहीं है व्रत करना ये जो प्रिविलेज है सौभाग्य है ये मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ है व्रत के बिना मनुष्य का जन्म एक प्राणी जीवन है जानवर का जीवन है इसलिए हमको देखना चाहिए कि मनुष्य जीवन में जितने सारे अवसर भगवान ने दिए हैं वो सारे अवसरों को हमें बड़े उत्साह से समझदारी के साथ निभाना चाहिए अगर हम कार्तिक का व्रत नहीं कर पाएंगे और ना करेंगे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं रहेगा तो अभी ये व्रत सफलतापूर्वक कैसे करें उसके लिए संकल्प लेना होगा वैसे संकल्प लेने के लिए बहुत देर हो चुकी है व्रत शुरू हो चुका है लेकिन हमको देखना यह है कि अभी तो शुरुआत है आज तो अभी भी ब्रह्मा मुहूर्त चल रहा है कार्तिक महीने के दामोदर मास के व्रत का पहला दिन का ब्रह्मा मूर्ति अभी चल रहा है अभी भी समय नहीं गया है सबसे पहले अगर सफलतापूर्वक कोई कार्य करना है तो संकल्प लेना आवश्यक है और संकल्प वैसा लेना है जो हमें करने में बहुत भयंकर कठिनाई नहीं आएगी और बहुत भयंकर आसानी भी नहीं रहेगी व्रत का अर्थ है कि थोड़ी बहुत असुविधा उसमें होनी चाहिए तो ऐसा व्रत लीजिए जिसमें आपको असुविधा तो होगी ही लेकिन इतना कठिन नहीं होगा कि हम कर ही नहीं पाएंगे उसको इसलिए मेरी आपको विनती है कि एक सबसे बड़ी अच्छी बात कार्तिक व्रत की है कि कार्तिक व्रत में कोई ऐसा कठोर नियम नहीं है कि आपको यही करना है और यही नहीं करना है कुछ बेसिक नियम है लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार आयु के अनुसार आरोग्य के अनुसार आप थोड़ी बहुत असुविधाजनक व्रत ले सकते हैं सबसे पहले मैं आपको विनती करूंगा कि कार्तिक महीने में ब्रह्मा मुहूर्त में जगना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण का नाम स्मरण का व्रत लेना चाहिए वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए खाने पीने में थोड़ा सा कठोरता होनी चाहिए जिसमें हर कुछ चीज हर कुछ समय नहीं खाना चाहिए नियमित रूप से व्रत पूर्वक भावना से तपस्वी की भावना से खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए और सबसे मूल जो फाउंडेशन है इस व्रत का वो है ब्रह्मचर्य चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो या ब्रह्मचर्य हो या गृहस्थ हो या सन्यासी हो इस इन तीस दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है और श्री कृष्ण राधा रानी का ध्यान करना है क्योंकि तो इस महीने में राधा रानी और कृष्ण भगवान ने मिलकर बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर और हृदय स्पर्शी लीलाओं का मंचन किया है लीलाओं को प्रकट किया है तो सबसे प्रथम है संकल्प और उसके बाद है अच्छा संग जिसके वजह से हम वो संकल्प को पूरा कर पाएंगे और इस संकल्प की विशेषता यह है कि ये सारा जो हमको करना है वो तीस दिन तक लगातार करना है हाँ शुरुआत में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है उसके बाद में वो कम हो जाता है कार्तिक महीना भी वैसे ही चला जाता है लेकिन संकल्प का अर्थ होता है कि तीस दिनों की पूरी कालाविधि को समझते हुए हमें संकल्प करना है और उस व्रत को पालन करना है ऐसा व्रत करने के लिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है इस व्रत को सब जगहों को लोगों को बताना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ एक व्यक्ति को आप ढूंढो जैसे घर में पत्नी है पति है या कोई गुरु भाई है या काउंसलर है उसको केवल बता सकते हैं ताकि वो हमें मदद कर सके उस व्रत को पालन करने के लिए उत्साह दे सके कुछ कठिनाई आए तो उसको पार करने के लिए मदद हो लेकिन अगर हमारा जो व्रत है वो अगर जग जाहिर करेंगे सबको पता देंगे तो उसका व्रत का फल जो है वो कमजोर हो जाता है इसलिए व्रत को जितना भी हो सके उसको गुप्त रखना चाहिए लेकिन एक एक व्यक्ति को गुप्त रूप में उसको कहना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट व्रत की सफलता के लिए सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त में जगना है सबसे महत्वपूर्ण <laughs> जब सबसे पहले हम जल्दी उठकर भगवान के नाम का जप करते हैं और व्रत का जप भी कर लेते हैं तो बाकी सारे जो हमारे व्रत हैं वो पालन करने में दिन में बहुत उत्साह रहता है बहुत ऊर्जा रहती है और बहुत सफलता भी मिलती है हरे कृष्णा, बाल कृष्ण प्रभु और कोई प्रश्न है इसके ऊपर हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ प्रभु जी अगर चातुर्मास से व्रत लिया है तो फिर अभी कार्तिक में नया संकल्प करना पड़ेगा क्या हाँ चातुर्मास का, चातुर का व्रत तो अच्छा ही है लेकिन एकाद तो एक्स्ट्रा व्रत कार्तिक में लेना चाहिए क्योंकि कार्तिक वैसे भी चार महीने में एक महीना है लेकिन उसमें भी कार्तिक अपना एक स्थान है अपना एक महत्व है अपनी एक महिमा है तो चाहे एक माला एक्स्ट्रा करने का आप सिंपल व्रत ले सकते हैं लेकिन कार्तिक महीने में एक कम से कम एक विशिष्ट व्रत तो हमको लेना ही चाहिए और कोई प्रश्न है किसी का <coughs> प्रभु आप कुछ कह कह रहे थे मैं रहा था कि कार्तिक मास का जो व्रत करते हैं तो हमारे पास ऐसा मौका मिलता है हमारा जो भावना है इसको और शुद्ध कर सकते हैं और वो भावना हमें भगवान का सोच हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर throughout कार्तिक मंथ कार्तिक मास में और उनके चरण कमलों का याद करके करेंगे तो उसमें और सफलता और दूसरी बात है तो प्रेम प्राप्त होगा जिसकी हम आशा कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो तो क्योंकि कार्तिक महीने में हमारा संग बहुत सारे भक्तों के साथ होता है जैसे हम यात्रा में जाएंगे तो ये एक मौका है कि इंटरनेशनल डिवोटीज मैक्सिमम प्योर डिवोटीज विल बी अवेलेबल और वो तो एक सारे, नहीं सारे सारे कार्तिक सारे व्रतों का एक ही उद्देश्य होता है चाहे वो कार्तिक व्रत हो एकादशी व्रत हो या दीपावली व्रत हो किसी भी व्रत का द्वादशी व्रत हो हर एक व्रत का उद्देश्य एक ही है कि हम भगवान के नाम के प्रति और ज्यादा आसक्ति उत्पन्न करें और अंत में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करें और निरंतर भगवान के आ, भगवान का स्मरण करने के लिए हम योग्य हो जाएं ये सारे व्रतों का एक ही बॉटम लाइन उद्देश्य है पर कार्तिक महीने की विशेषता यह है कि कार्तिक महीने में ये सारे व्रतों का फल देने के लिए राधारानी स्वयं बैठी है इसलिए कार्तिक महीने में सारे व्रतों का फल बहुत हजारों गुना ज्यादा प्राप्त होता है और वो भी अगर हम धाम में जाएंगे तो धाम का भी हजारों गुना फल उसमें मिल जाता है तो हम हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान है तो हमको विचार करना चाहिए तो ये लॉटरी लग गई है पूरी हाँ क्योंकि तो कार्तिक महीने में राधा रानी देने के लिए बैठी है बस देने के लिए वर्कछाव करने के लिए बैठी है बस लेते जाओ छोटा मोटा वर्क भी करेंगे जैसे बालक अगर कोई जप नहीं करता है और वो सोचेगा कार्तिक महीने में मम्मी मैं एक माला जप करूंगा तो उसको अनंत मात्रा में राधा रानी उसका फल देगी उसके आध्यात्मिक जीवन का इतना सुंदर विकास बाल्य बाल में हो जाएगा तब सब लोगों को देखना यह है कि सबसे पहले कार्तिक मास के व्रत की महिमा को अगर हम समझेंगे तो फिर हमें ज्यादा उत्साह आएगा लेकिन ज्यादा हम क्या कहते हैं ना उसको फ्रुएटिव फलेच्छा मन में रख के वो व्रत नहीं करनी चाहिए व्रत करने का एक और उद्देश्य है कि वो निरपेक्ष होना चाहिए व्रत राधा रानी और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए तो उसका ज्यादा फल मिलता है फल न मांगने पर ज्यादा फल मिलता है जब भी हम किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते हैं तो हमको भर भर के भर भर के उसका फल प्राप्त होता है जब अपेक्षा रखते हैं तो उतना ही अपेक्षा उतना ही सीमित फल प्राप्त होता है इसलिए आप लोगों को विनती है कि आप केवल राधा और कृष्ण के लिए और वैष्णवों के आनंद के लिए कोई व्रत लो शुद्धि के लिए व्रत लो और कोई स्वार्थी भावना मन में नहीं रखना और आगे आने के आने वाले समय में कार्तिक में जैसे प्रभु जी ने कहा वो अंतरराष्ट्रीय भक्तों का संग मिलेगा धाम वास मिलेगा और कार्तिक मास का संग मिलेगा तो हमारे ऊपर तो कहते हैं ना चारों उंगलियां घी में ही है हमारी जहां पे भी, भी कुछ भी करो आनंद ही आनंद है तो इसी बात पर मैं मेरे भाषण को विराम दूंगा क्योंकि कार्तिक पर्वत में क्या कहें अभी पिछले में मैंने पहले ही कहा था कि कहने के लिए इतना कुछ है थोड़े समय में कहना बहुत कठिन है लेकिन मनुष्य मनुष्य अगर मनुष्य जन्म में आ गया है जीव तो उसे ये कार्तिक व्रत करना ही चाहिए और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान के संतुष्टि के लिए व्रत को स्वीकार करना चाहिए क्रिष्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम ये राम राम हरे हरे प्रभु जी प्रभु जी हम तो व्रत करते है लेकिन हम दूसरे को कैसे प्रोत्साहित करें व्रत करने की बस उनके व्रतों को जानने का प्रयास मत कीजिए उनको खाली पूछिए कैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है ना सुबह उठ पा रहे हो ना अच्छी तरह से शास्त्र का अध्ययन कर पा रहे हो ना यात्रा में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो इस प्रकार से आप अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ के उनको उत्साह ले सकते हैं लेकिन उनको टोकना नहीं है क्योंकि टोकने से निरुत्साह होता है और प्रेम से पूछने से उत्साह की वृद्धि होती है और जो भक्त नहीं है प्रभु जी जो मतलब भक्ति में नहीं है उनको कैसे हम उनको दीप दान में लगाना चाहिए उनको जो लोग भक्ति में नहीं है उनको दीप दान में प्रवृत्त करना चाहिए आइए ये दीपक लीजिए आइए मंदिर में आइए मेरे घर पे आइए जो तो घर पे आएंगे मेहमान जो शायद भक्ति में नहीं होंगे उन सब लोगों को आपको दीप देना है जलाकर हाथ में देना है कहना है कि इनको अर्पण कीजिए ये कार्तिक का महीना है दीप दान का बहुत यहाँ है ऐसे करके सबसे भावना मन में सकारात्मक होनी चाहिए कोई भक्ति में नहीं भी है तो कल उठ के भक्ति में आएगा तो हमारे आगे चला जाएगा इसलिए किसी को भक्त अभक्त की व्याख्या देकर उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए प्रेम से उनको उत्साह देना चाहिए सकारात्मक भावना से नेगेटिव भावना से नहीं ओके okay? मेरी बधाई है और सबके लिए मेरी शुभकामना है और भगवान के चरणों में राधा रानी के चरणों में प्रार्थना है कि आप सबका आज से लिया हुआ संकल्प का व्रत जो है वो राधा रानी को प्रसन्न करने में समर्थ हो राधा रानी भर भर के आपको कृपा का वर्षाव करें तो उसके लिए बैठी हुई है इस महीने में यही मेरी शुभकामना है हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच राधे राधे प्रभु जी थैंक यू राधे, राधे। हरी बोल हरे कृष्णा प्रभु हाँ कौन बोल रहे हैं मैं भी बैंगलोर में हूँ और कुछ ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ बहुत सुंदर वातावरण वा है जैसे कल भी दिखाया था अभी ये थोड़ा दूसरा स्थान है यहाँ पर मंगला गौरी देवी का मंदिर है यहाँ पर हिरण्य की जो बहन थी वो बहुत बड़ी राक्षसी थी और उसने हिरण्य को मारने के बाद में बहुत बड़ा आतंक फैलाया था तो फिर सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए और विष्णु ने अपनी शक्ति को प्रकट किया और सात बहनों को प्रकट किया उसमें से ज्येष्ठ भगिनी जो है वो मंगला गौरी है उसको शस्त्र अस्त्र से सु, सुसज्ज किया और फिर उसने यहाँ पर आकर हिरण्य की बहन का वध किया तो फिर उसको ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से समुद्र किनारे स्थापन किया तो स्थान का पड़ा मैंगलोर मंगला गौरी का स्थान ये यहाँ पर बहुत पवित्र स्थान है तो कार्तिक महीने का आरम्भ मंगला गौरी के चरणों में हो रहा है हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच हरी बोल रिकॉर्डिंग क्या है न मंगला व्रत करता तीस मंगला देवी यस सो आपने रिकॉर्डिंग किया है ना इसका यस यस ओके हरी बोल थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच हरी कृष्ण हरे कृष्ण